उसके डायरेक्टर पहले रियाज शाही फरूक थे, शान के वालिद, मगर उनका फिल्म के दौरान ही फिर इंतकाल हो गया था, तो फिर हसन तारिक साहब ने फिल्म कम्प्लीट की थी। यहाँ पर मैं एक फिल्म देखने के लिए आया, पहली दफ़ा जो मैं आया था सोसाइटी सिनेमा में, मतलब बहुत छोटा था मैं, स्टार्ट हुई फिल्म तो वो जो पहले ही मंजर था घोड़ों पे आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर ही आ रहे हैं ना, तो मैं डर रहा था, मैं रोने लग गया। तो यहाँ पर हमें ये बेनिफिट था कि यार चलो फिल्मिस्तान में नई टिकट मिला तो नवल्टी चलेगा, नवल्टी में नहीं मिला तो सोसाइटी चलेगा, तो ये मतलब ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उतरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। सिनेमा वाली सीरीज़ आप पसंद कर रहे हैं तो उसी का ये सिलसिला है। आज हम फिर नए तीन सिनेमा के बारे में बात करेंगे। सिनेमा तो पुराने हैं लेकिन नए हमारी वीडियो में हैं। तो सबसे पहले है सोसाइटी, फिर फिल्मिस्तान और नॉवेल्टी सिनेमा। तो इलियास साहब, इन तीन सिनेमा के हवाले से यादें शेयर करें हमारे साथ, और सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे? मेरे ख्याल में शौकत भाई, सबसे पहले हमें सोसाइटी सिनेमा से शुरू करना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट भी उसी से होता है और सोसाइटी के बाद फिर फिल्मिस्तान, फिर नॉवेल्टी, तो ये इस तरह रो में आते हैं सिनेमा। तो मेरे ख्याल में पहले सोसाइटी से हम शुरू करते हैं, और सोसाइटी की याद में आपसे इस हवाले से शेयर करूँगा कि सोसाइटी में जो मैंने एक बड़ी, मतलब अपने वक्त की एक क्लासिकल फिल्म देखी थी, हीर रांझा, 1974 की बात है ये, बारिश हो रही थी उस दिन जब मैंने ये फिल्म देखी थी, और क्या फिल्म थी जनाब, खूबसूरत फिल्म, हीर रांझा एक क्लासिकल फिल्म थी, हीर रांझा दोबारा नहीं बन सकती, क्या उसके गाने थे, क्या फोटोग्राफी थी उसकी, क्या उसका म्यूज़िक था, क्या उसकी डायरेक्शन थी, क्या एक्टिंग थी, एजाज साहब, फिरदौस, मुनव्वर ज़रीन, अजमल, कमाल फिल्म थी जनाब। और सोसाइटी में मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं, सोसाइटी में मैंने माली फिल्म देखी, सोसाइटी में मैंने बंदगी फिल्म देखी, अंदलीप फिल्म देखी वैद्यनाथ शर्मा की, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, उसमें वो गाना था कुछ लोग रूठ कर दी लगते कितने प्यारे कुछ लोग कुछ लोग रूठ कर दी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग। बहिश्त फिल्म मैंने यहाँ पर देखी। कौन सी? बहिश्त। बहिश्त, बहिश्त, बहिश्त मतलब जन्नत। जन्नत हसन तारिक साहब ने वो डायरेक्ट की थी, निशो, और असल में उसके डायरेक्टर पहले रियाज शाही फरूक थे, शान के वालिद, मगर उनका फिल्म के दौरान ही फिर इंतकाल हो गया था, तो फिर हसन तारिक साहब ने वो फिल्म कम्प्लीट की थी, उसमें नदीम, निशो, नैयर सुल्ताना ये लीड पे कैरेक्टर थे, और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, आगा तालिब साहब थे, तो बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। यहाँ पर मैंने के पी साहब की हंसते आओ हंसते जाओ फिल्म देखी थी, पंजाबी, और वारंट फिल्म देखी थी हैदर चौधरी साहब की, यूसुफ खान, मुसम्मा कुरैशी, तो बड़ी मतलब सोसाइटी से बहुत यादें वाबस्त हैं, चूँकि जहाँ हम लोग रहते थे गुलबहार गोलीबार जो इलाका था, तो ये लसबेला उसके करीब ही था, तो ये दो तीन सिनेमा हमारे मतलब बहुत करीब पड़ते थे, तो यहाँ पर हमने बहुत फिल्में देखी हैं, और सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा मैंने फिल्में देखी हैं, तो बिल्कुल ही घर के करीब। अच्छा, सोसाइटी वाली जगह पर बाद में CNG बन गया, अब वो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, हो सकता है कि वहाँ फिर कोई बिल्डिंग बन जाए, रिहायशी कम्प्लेक्स बन जाए, तो मुझे नहीं पता था, मैं बहुत मर्तबा इस रोड से गुजरा हूँ तो पता नहीं था कि यहाँ सोसाइटी सिनेमा था किसी ज़माने में। तो आज वो जो कि इलेक्ट्रिक का, मतलब जिसको आप लोग PMT कहते हैं, या सब कह के क्या कहते हैं उसको, PMT कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगा, वो PMT की बात तो है, चले उसके ऊपर लिखा हुआ है, पहचान हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक फिल्म देखने के लिए आया, पहली दफ़ा जो मैं आया था सोसाइटी सिनेमा में, मतलब बहुत छोटा था मैं, तो मेरी धरती मेरा प्यार सलमा मुमताज़ की फिल्म थी, वो देखने के लिए मैं आया था, तो उसमें पहला जो मंजर था, मैं स्टार्ट हुई फिल्म तो वो जो पहले ही मंजर था घोड़ों पे आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर ही आ रहे हैं ना, तो मैं डर रहा था, मैं रोने लग गया, तो वो गेटी बताया, वो मुझसे मुझे कहा क्या हुआ, मैंने कहा मुझे डर लग रहा है मैं जा रहा हूँ घर ना, उसने मुझसे टिकट लिया, बोला हाँ जाओ बेटा तुम मरने को। असल में उस वक्त तफरी यही थी ना, तो फिल्म एक बहुत बड़ी तफरी होती थी कि यार फिल्म, मसला ये था कि हम जहाँ बैठते थे तो वहाँ ये होता था कि एक बंदा फिल्म देख कर आया तो वो फिल्म की स्टोरी सुना रहा है, और सब 8-10 लोग बैठे हुए उस फिल्म की स्टोरी को एंजॉय कर रहे होते थे, और वो बाकायदा मतलब उस तरीके से सुनाता था वो फिल्म कि मज़ा आ जाता था कि जैसे हम फिल्म देख रहे हैं।
नाइनटीन शर्मा चलता रहा है, 97 तक चलता रहा है, 97 तक चलता रहा है, 98 बंद रहा, 99 में ये टूटा है। क्या 99 में ये जगह बिक गई थी, उसके बाद टूट गया था ये, 99 में टूटा है। 99 में सोसाइटी से थोड़ा सा आगे जाए ना तो फिल्मिस्तान सिनेमा आता है जो किसी ज़माने में था, और वो भी आज आपने ही मुझे बताया इसलिए मुझे पता चला, वरना मैं इतना कराची का रहने के बावजूद इतना इल्म नहीं रखता। तो बताएं फिल्मिस्तान के हवाले से। ये असल में शौकत भाई ये गार्डन रोड कहलाता है, इसको फिल्मिस्तान रोड भी कहते हैं, मगर गार्डन की तरफ ये रोड जाता है, 3 अड़ी से गार्डन तक है। तो यहाँ पर इसके बाद ये फिल्मिस्तान सिनेमा का जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सोसाइटी के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिल्मिस्तान सिनेमा है, और फिल्मिस्तान में मैंने काफ़ी फिल्में देखी। चूँकि मैंने पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि मेरी रहायश यहाँ करीब में थी, तो ये 3 सिनेमा तो बड़े सूट करते थे। सबसे बड़ी बात ये कि इन सिनेमाओं में उस वक्त हफ्ते में ये पोजीशन होती थी, एक पंजाबी फिल्म और 2 उर्दू फिल्में ज़रूर रिलीज़ होती थी, वरना एक उर्दू फिल्म और एक पंजाबी तो ज़रूर होती थी। तो यहाँ पर हमें ये बेनिफिट था कि यार चलो फिल्मिस्तान में नई टिकट मिला तो नवल्टी चलेगा, नवल्टी में नहीं मिला तो सोसाइटी चलेगा। तो ये मतलब ये इस तरीके की चीज़ें होती थी। और फिल्मिस्तान में जो मैंने फिल्म देखी वहाँ पर मैंने प्यार ही प्यार एक फिल्म देखी थी जो आसिया फिल्मिस्तान आसिया ने प्रोड्यूस की थी, और उसमें वहीद मुराद साहब थे। इसी तरह कवि साहब की एक फिल्म थी मिस्टर गुड्डू, उसका बड़ा एक खूबसूरत गाना था, ढोलक बजा के सहेलियां बुला के भंवरे के गीत में गाऊंगी अपने भैया को दूल्हा बनाऊं। ढोलक बजा के सहेलियां बुला के भंवरे के गीत में गाऊंगी। तो ये बड़ा मतलब फिर ये शादी ब्याह में बहुत ज्यादा चलता था ये गाना, खास तौर पर 1 अरसे तक चलता रहा। और मैंने भी शादियों में सुना है, मुझे पता नहीं था कि किस फिल्म का गाना है। तो रंगीला साहब ने इसका टाइटल रोल किया था। बशीरा फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी, सुल्तान रही का, जो मतलब ये कि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे, मगर बशीरा से उनकी एक पहचान बनी थी, और बशीरा के बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और जब उनका इंतकाल हुआ तो भी वो एक रूज पे ही रहे बशीरा के बाद। तो बशीरा फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी। दिया और तूफान एक फिल्म थी वो मैंने यहाँ पर देखी थी। तेरा गम रहे सलामत वो फिल्म मैंने यहाँ पर देखी, नदीम थे उसमें, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी वो, एजाज साहब थे, नहीं तेरा गम रहे सलामत में एजाज साहब को नहीं थे, नदीम उसमें थे। फर्ज और मोहब्बत फिल्म जो थी उसमें मतलब ये कि नदीम शबनम एजाज ये लोग थे। आईना और सूरत फिल्म थी मोहम्मद अली शबनम की, वो मैंने यहाँ पर देखी थी। तो इस तरह फिल्मिस्तान में मैं बहुत फिल्में देखी और मज़ा आता था उन दिनों में, क्योंकि सिनेमाओं का दौर था। एक फिल्म थी दिल लगी, ठीक है ना, दिल लगी असलम डार साहब उसके डायरेक्टर थे, और नदीम शबनम रेहान ये थे उस फिल्म में। इंटरवेल तक तो मतलब इनके फुल कॉमेडी, और इंटरवेल के बाद मुकम्मल इमोशनल ट्रेजी फिल्म थी, और कमाल फिल्म थी, उसके गाने भी कमाल, लेरी साहब की परफॉर्मेंस, नदीम साहब की, शबनम, मतलब हर बंदे ने उसमें क्या परफॉर्म किया था। और दिल्लगी की ये पोजीशन थी कि खवातीन वो इतनी हिट हुई थी कि आगे की वो 150 रुपये वाली जो गिलास थी ना उसमें भी खवातीन बैठी हुई होती थी। अच्छा। और हाँ, तो इस तरह की वो फिल्म थी, और उसमें एक ड्रेस शबनम का बहुत मशहूर हुआ था, और वो फिर मतलब कराची में तो मैंने ऐसा देखा था कि जिस लड़की ने वो उस तरह का ड्रेस नहीं पहना तो वो शायद इस दुनिया में नहीं आई। अच्छा। जैसे वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेखे वो जमे ही नहीं, जिन्हें वो कपड़े नहीं पहने वो कुड़ी नहीं, कुड़ी नहीं। सही। तो और फिल्मिस्तान में मजीद कौन कौन सी मूवीज़ आपको याद हैं? फिल्मिस्तान पे मैंने एक काफ़ी फिल्में देखी, हातिम काई मैंने देखी, पुरानी मतलब रिलीज जब हुई थी वो तो उस टाइम पर थी। सिंध बाद एक फिल्म थी शाहिद की, वो थोड़ा सा मतलब इस तरह की फिल्म थी, समंदर के ऊपर हो गया। ये शिकार फिल्म मैंने देखी थी यहाँ पर, ठीक है ना, और मतलब ये कि बहुत फिल्में यहाँ पर, क्योंकि हर हफ्ते तकरीबन फिल्म आती थी तो यहीं हम जाते थे, और थिएटर में जाने का जो मेरा शौकत भाई सबसे बड़ा वो था वो भी यहीं से था कि हम लोग यहाँ पर आए तो हमें सिनेमा फिल्मिस्तान पे टिकट नहीं मिला, तो हम लोग चले गए, हमारा एक दोस्त था यहाँ पर आदम जी अनुचौरी अपने, तो वो बोलता था कि यार तुम लोग आओ, तो हम लोग एक दिन चले गए, हमने कहा चलो टिकट नहीं मिले उसके बाद चले जाते। जब हम वहाँ देखे, जब
मैं पहली दफा जब स्टेज ड्रामा देखा हम तो हैरान रह गए कि यार कॉमेडी ऐसी होती है। अच्छा, मतलब लियाकत सोल्जर, शहजाद रज़ा और उमर शरीफ साहब थे उसमें, कमाल मतलब ड्रामा पे। उसके बाद तो हम मतलब हर ड्रामा देखते थे, तो एडवांस बुकिंग कराते थे उसकी, तो हाउसफुल होते थे। तो नाजिक मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि बहुत जल्द हम आदम जी ऑडिटोरियम के ऊपर भी व्लॉग करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगा। फिल्मिस्तान से थोड़ा सा ही आगे चले ना, चंद कदम के बाद है नोवेल्टी सिनेमा, आपने दिखाया, मुझे पता नहीं था, तो उसके बारे में बताएं। ये फिल्मिस्तान से कोई 20-25 कदम आगे था नोवेल्टी सिनेमा, और अपने वक्त में बड़ा खूबसूरत सिनेमा था, बड़ी अच्छी फिल्में यहाँ पर लगती थी। नोवेल्टी सिनेमा में मैंने एक फिल्म देखी जब जब फूल खिले, जिसमें नदीम, वहीद फराज, मोहम्मद अली, जेबा, मतलब सुपर फिल्म थी, सुपर कास्ट थी। बदर मुनीर साहब की एक फिल्म मैंने देखी थी, आसिफ खान बदर मुनीर की, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। और उस वक्त इन दोनों का कितनी बोलता था एक्शन फिल्मों के हवाले से, गहरे जख्म। अच्छा, फिर वो पश्तों में भी रिलीज़ हुई थी जख्मा के नाम से। इसी तरीके से जब फूल मेरे गुलशन का फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी, एक फिल्म शुक्र भी मतलब रिलीज़ होने से पहले उसका बड़ा चर्चा था, वो भी एंड जूली, कभी आप सर्च करके वो देखिएगा। उसके गाने बड़े खूबसूरत थे, उसके गाने आलमगीर साहब ने गाए थे, और शुरू में जब उसके गाने चलते थे तो पहले दिन तो उसका ये हाल था कि मतलब टिकट नहीं मिल रहे थे, मगर ये कि फिल्म जब देखी तो बहुत ही बुरी फिल्म थी, गाने सिर्फ उसके अच्छे थे। परस्तिश फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी, नदीम वही फराज मुमताज थे उसमें। इज्जत फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी, जिसमें नीलू ने कम बैक किया था, दोबारा जब आई थी तो वही फराज, नीलू इस फिल्म में थे। एक बड़ी मतलब महंगी फिल्म नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी, शीशे का घर, उसमें एक एवरव्यू स्टूडियो में बड़ा ज़बरदस्त सेट लगाया था उन्होंने, और वो ये सेट काफ़ी अरसे तक लगा रहा, और उसको देखा भी लोगों ने वैसे जाके, तो निगार अखबार में हम लोग पढ़ते थे और ये सारी चीज़ें थी। तो शीशे का घर फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी। शीशे का घर फिल्म चली तो नहीं, मगर ये है कि अपने वक्त की एक बड़ी मतलब इसका बहुत ज़्यादा वो हुआ था कि इस तरह की फिल्म आ रही है नजरुल इस्लाम साहब, क्योंकि नजरुल इस्लाम साहब की एक पहचान ये थी कि वो बड़ी कमाल की फिल्में बनाते थे, आईना, बंदिश, अंबर, एहसास, ये सारी फिल्में उनके क्रेडिट पे और कमाल फिल्में बनाते थे। तो इसलिए नावटी सिनेमा पे भी एक चीज़ मैं बता दूं कि एवरेड पिक्चर्स जो है उसकी फिल्में नावटी पे रिलीज़ हुआ करती थी, और इदारों की जो फिल्में, असलम फिल्म हो गया, पाकिस्तान फिल्म हो गया, या इस तरह के दो तीन और इदारे थे, तो उनकी फिल्मिस्तान पर लगा करती थी फिल्में। पंजाबी की जो ज़्यादा फिल्में थी वो सोसाइटी पे लगती थी, तो इसलिए नावल्टी की ये पहचान थी कि वहाँ पर, क्योंकि एवरेडी पिक्चर जो है ज़्यादातर शबाब किरानी साहब, परवेज़ मलिक और नजरुल इस्लाम इनकी फिल्में लेते थे और वो रिलीज़ करते थे, वो बड़ी अच्छी फिल्में हुआ करती। अच्छी फिल्म से मुझे याद आ गया, मैंने एक फिल्म देखी थी उसमें मोहम्मद अली साहब और हीरो थे। हाँ। और बाबरी शरीफ उसकी हीरो। अच्छा, मतलब एक बिल्कुल छोटी और एक बिल्कुल लंबे थे। नहीं, अच्छे मियां नाम था उसका। अच्छा। अच्छी फिल्म से मुझे वो याद है, मोहम्मद अली और बाबरी शरीफ ने जिसने जिस फिल्म में काम किया था, तो वो कोई दूसरी थी, मगर उसमें मोहम्मद अली साहब हीरो थे और बाबरी शरीफ हीरो, मतलब कोई सोच भी नहीं सकती। एक और फिल्म मुझे याद आ गई, और वो फिल्म थी सलाख, हसन अस्करी साहब की, कमाल फिल्म थी जनाब। हसन अस्करी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, ये चंद डायरेक्टर थे जो कि मतलब क्रिएटिव काम करते थे, और इनका काम होता था, इनकी एक फिल्म थी पंजाबी तूफान, जिसमें सुल्तान सराई का एक करेक्टर था, एक फौजी का करेक्टर था, और एक पाँव का खराब होता है, वो जो नसीब के पाँव चलते हैं। हाँ। सुल्तान रई साहब ने क्या परफॉर्म किया था यार, अजीम अदाकार है, अल्लाह पाक उनकी मफरत फरमाए, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था सुल्तान रई। मजीद कोई फिल्म है नोवेल्टी में, या आपसे एक सवाल करूं मैं? हाँ, आप सवाल करिए। अच्छा, सवाल ये है कि सोसाइटी फिल्मिस्तान और नोवेल्टी जिस इलाके में है वो फिल्मिस्तान रोड कहलाता है, रिक्शा की सबसे बड़ी मार्केट एशिया की वो इसी जगह पर है फिल्मिस्तान रोड के ऊपर, और पख्तून आबादी का आमदोरफ्त भी ज़्यादा है और आस पास पख्तून आबादी भी ज़्यादा है, तो आपने एक भी पश्तो फिल्म का नाम नहीं लिया जो इन सिनेमाओं पर लगी हो। हाँ बिल्कुल, असल में पता है शुक्र भाई, होता ये है कि हर सिनेमा की अपनी एक पहचान बन चुकी होती है कि यहाँ पर किस किस्म की फिल्में रिलीज़ होती हैं। तो नावल्टी फिल्मिस्तान में उर्दू
और बड़ी सुपरहिट फिल्में लगा करती थी, इसी तरीके से सोसाइटी में पंजाबी फिल्में लगती थी, खाल खाली कोई पश्तो फिल्म लग जाती थी जैसे दर्रा शहबाज या यूसुफ खान शेरबानो या दीदा ये इस तरह की जो फिल्में, तो ये सोसाइटी में लगी है। मगर बहरहाल जो पश्तो फिल्मों का एक मखसूस इलाका होता था, मखसूस इलाके से मतलब ये कि ऑडियंस वहाँ जाती थी, तो वो उन्हीं सिनेमाओं में रिलीज़ होती थी, इन सिनेमाओं में पश्तो फिल्में बहुत कम रिलीज़ हुआ करती थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी और फिल्म पीने के हवाले से आपकी यादाश्तों को तरोताज़ा कर दिया होगा इलियास साहब की बातों ने। तो इलियास साहब आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो हसब साबिक यही कहूँगा कि भाई खुदा का वास्ता है, आप लोग इस फिल्म इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें इसके ऊपर। आजकल व्यूवर्स जो है ना, हम लोग मुतमैन नहीं हो रहे भाई, पहले हमें 10,000-20,000 व्यूवर्स पड़ते थे, अब 1,500-2,000 से ऊपर नहीं जाते, क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? तो आगे तो हम लोग फिर हिम्मत हम हार जाएंगे, फिर तो हम नहीं कर पाएंगे यार। नहीं, कमेंट्स तो भरपूर आ रहे, जितने व्यूवरशिप होते हैं कमेंट्स आसपास ही होते हैं, सब्सक्राइबर थोड़े से कम है, वो थोड़ी से लोग हमें हिम्मत करेंगे बढ़ा देंगे। नहीं, व्यूवर्स का भी बड़ा मसला हो रहा है शोकत भाई, पहले हमारी जो वीडियो हम डालते थे वो 20,000 पे चली जाती थी, 15,000-18,000 ये व्यूवर्स होते थे, अब आप देखें आप वीडियो डालते हैं आप और व्लॉग हम डालते हैं तो वो 1,000-1,500-2,000-3,000 तीन महीने में जाके कहीं 4,000-5,000 पे जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये फेवर चाहिए, जब तक आप लोगों की ये फेवर नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अभी हमने बहुत कुछ करना है, अभी हमने लाहौर जाना है, हैदराबाद जाना है, पेशावर जाना है, ये सारा कुछ हमने करना है, स्टूडियोज़ के ऊपर हमने करना है भाई। सारे अल्फाज छीन लिए, ये बात मैंने कर ली थी लाहौर हैदराबाद वाली। तो बहरहाल मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई वीडियो पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाज़त। नदीम थोड़ा गलत हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।